हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बीआई के 4G डाटा प्लान्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप वोडाफोन आइडिया या फिर बीआई के यूजर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बीआई सिम में 4G डाटा प्लान्स के बारे में। इसमें प्लान आता है 19 रुपए, 29 रुपए, 39 रुपए, 58 रुपए, 82 रुपए, 98 रुपए, 118 रुपए, 151 रुपए, 298 रुपए, 418 रुपए और 999 रुपए। तो दोस्तों, आज हम सभी प्लानों के बारे में फुल डिटेल के साथ जानकारी लेने वाले हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें आपको कितनी वैलिडिटी मिलने वाली है और आपके लिए सबसे बेहतर प्लान कौन सा होने वाला है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आना है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीआई सिम में 4G डाटा प्लान सबसे सस्ता रिचार्ज आता है 19 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 1 GB डाटा और इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाती है 24 घंटों के लिए। दोस्तों, इस प्लान को रिचार्ज करवाने से पहले आपके में एक वैलिडिटी वाला रिचार्ज जो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लान में वैलिडिटी आपको नहीं मिलती है। इसमें जो आपको डाटा मिलता है 1 GB, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है। जैसे कि आपके में पहले से वैलिडिटी वाला रिचार्ज होना चाहिए और उसके बाद आपको 19 वाला रिचार्ज करवाना होगा और आपको डाटा ये सिर्फ 24 घंटों के लिए मिलेगी। अगर आप इसे यूज़ नहीं कर पाते हो तो आपका ये डाटा उड़ जाएगा ऑटोमेटिक 24 घंटे के बाद। दोस्तों, बीआई सिम में अगला 4G डाटा प्लान आता है 29 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 2 GB डाटा और इस प्लान की वैलिडिटी आपको नहीं मिलती है, बल्कि इसमें आपको 2 GB डाटा जो मिलता है उसकी वैलिडिटी आपको मिल जाती है 2 दिनों के लिए। दोस्तों, इस रिचार्ज को करवाने से पहले आपके पास मोबाइल में वैलिडिटी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास वैलिडिटी वाला रिचार्ज नहीं है तो आपका रिचार्ज तो सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें वैलिडिटी आपको नहीं दी जाती है, इसलिए ये यूज़ नहीं कर पाओगे आप। वैलिडिटी के लिए आप दोस्तों सबसे सस्ता रिचार्ज 79 वाला भी करवा सकते हो, तब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इस प्लान में आपको जो 2 GB डाटा मिलता है वो आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा, वरना आपका ये डाटा उड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्लान आता है बीआई सिम में 4G डाटा प्लान 39 रुपए का, जिसमें आपको मिलता 3 GB डाटा और इस डाटा की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 7 दिनों के लिए। दोस्तों, इस प्लान की वैलिडिटी आपको नहीं मिलती है, मतलब इसमें आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस प्लान के लिए भी आपके में वैलिडिटी वाला रिचार्ज होना चाहिए, वरना आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस प्लान में जो आपको डाटा मिलता है 3 GB, वो आपको 7 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। अगर आप इसे यूज नहीं कर पाते हो 7 दिन के अंदर, तब दोस्तों ये 7 दिन के बाद आपका डाटा उड़ जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों, बीआई सिम में अगला 4G डाटा प्लान आता है 58 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 3 GB डाटा और इस डाटा की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 28 दिनों के लिए। दोस्तों, इस प्लान को रिचार्ज करवाने से पहले आपके में वैलिडिटी वाला रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप इस प्लान को यूज कर पाओगे, अन्यथा इस प्लान को आप यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जो आपको इस प्लान में 3 GB डाटा मिलता है वो आपको पूरे 28 दिनों के लिए मिलता है। आप बहुत ही जल्दी खत्म कर देते हैं, आप ये सोचकर खत्म कर देते हैं कहीं ये डाटा अपने आप उड़ ना जाए एक दिन के बाद ही, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ये आपका डाटा नहीं उड़ेगा 28 दिनों से पहले। दोस्तों, बीआई सिम में 4G डाटा प्लान अगला आता है 82 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 28 दिनों के लिए सोनी लिव मोबाइल ओनली मेंबरशिप। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, सोनी लिव, और यहाँ पे आपको 28 दिनों के लिए इसकी मेंबरशिप मिलेगी। दोस्तों, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 28 दिनों के लिए लाइव मूवी, लाइव शो कुछ भी देख सकते हो, वो भी आपको 28 दिनों के। दोस्तों, इसमें आपको 4 GB डाटा मिल जाता है, वो भी 14 दिनों के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। मतलब कि दोस्तों, आपको ये रिचार्ज करवाने से पहले आपको एक वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप इस प्लान का यूज कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों, आपके मोबाइल में पहले से कोई 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान चलता हो और आपने बाद में रिचार्ज करवाया 82 रुपए का, तब इसमें आपको जो 4 GB डाटा मिलता है वो आपको सिर्फ 14 दिनों के लिए ही इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ये डाटा आपने 14 दिनों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाया तो ये आपका डाटा उड़ जाता है ऑटोमेटिक ही। दोस्तों, इस प्लान की वैलिडिटी आपको मिलती है 14 दिनों के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें सोनी लिव मोबाइल मेंबरशिप आपको मिलती है 28 दिनों के लिए, तो आपकी वैलिडिटी 14 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। 14 दिन के बाद आपको अलग से रिचार्ज करवाना होगा कोई सा वैलिडिटी वाला, तब आप इस मेंबरशिप का लाभ उठा सकते हो 28 दिनों के लिए। दोस्तों, अगला प्लान आता है बीआई सिम में 4G डाटा वाला प्लान 98 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 9 GB डाटा और इस पैक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 21 दिनों के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी नहीं मिलती है। मतलब कि दोस्तों, इस प्लान को रिचार्ज करवाने से पहले आपके पास कोई सा भी वैलिडिटी वाला रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा आप इस प्लान को यूज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस प्लान में जो आपको 9 GB डाटा मिलता है वो आपको 21 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते 21 दिनों के अंदर, तो ये आपका डाटा उड़ जाता है ऑटोमेटिकली ही। दोस्तों, बीआई सिम में अगला प्लान आता है 118 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 12 GB डाटा और इस पैक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 28 दिनों के लिए।
दोस्तों इस प्लान में आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी मिल जाती है, वो भी 28 दिनों के लिए। यानी कि दोस्तों इस रिचार्ज को करवाने से पहले आपके पास कोई भी वैलिडिटी वाला रिचार्ज हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये रिचार्ज तुरंत ही चालू हो जाएगा। दोस्तों इस प्लान में आपको आउटगोइंग एसएमएस नहीं मिलेंगे। अगर आपको एसएमएस सेंड करना है या फिर किसी के पास भेजना है, दोस्तों अगर आपको सिम पोर्ट करानी है तब इसमें आपको अलग से 10 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा। 118 रुपए के रिचार्ज करवाने के बाद तब इसमें आपको पोर्ट वाला एसएमएस आ जाएगा और आप सिम पोर्ट करवा सकते हो। दोस्तों इसमें आपको जो 12 GB डाटा मिलता है वो आपको सिर्फ 28 दिनों के अंदर ही खत्म करना होगा। अगर आप 28 दिनों के अंदर खत्म नहीं कर पाते हो तो आपका ये डाटा उड़ जाता है। दोस्तों BI सिम में अगला 4G डाटा प्लान आता है 151 रुपए का, जिसमें आपको 3 मंथ के लिए आपको मिलता है डिस्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन, और इस प्लान में आपको मिलता है 8 GB डाटा, वो भी 30 दिनों के लिए। दोस्तों इस प्लान में आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। अगर आप ये रिचार्ज करवा लेते हो तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास कोई भी इनकमिंग और आउटगोइंग का वैलिडिटी वाला रिचार्ज ना हो तब तक इसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दोस्तों इसमें आपको डिस्नी हॉटस्टार का 3 मंथ के लिए आपको जो रिचार्ज मिलता है वो आपको डिस्नी हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, तब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों BI सिम में अगला प्लान आता है 298 रुपए का, जिसमें आपको डाटा मिल जाता है 50 GB और इस पैक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 28 दिनों के लिए। दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी मिल जाती है 28 दिनों के लिए। दोस्तों इस प्लान में आपको इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी मिल जाती है, इसके लिए आपके पास कोई सा भी पहले आपको वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही करवा सकते हो 298 रुपए का रिचार्ज। दोस्तों इस प्लान में आपको 50 GB जो डाटा मिल जाता है वो आप इसको 28 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका ये डाटा उड़ जाता है ऑटोमेटिकली। उसका दोस्तों BI सिम में 4G डाटा प्लान आता है 418 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 100 GB डाटा और इस पैक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 56 दिनों के लिए। दोस्तों इस रिचार्ज प्लान में आपको 56 दिनों के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग की वैलिडिटी मिल जाती है। दोस्तों इस प्लान में जो आपको डाटा मिलता है 100 GB डाटा वो आपको चाहे एक दिन में खत्म करें चाहे आपको 56 दिनों के अंदर खत्म करें, वो आपको 56 दिनों से पहले आपका डाटा नहीं उड़ेगा, और अगर आप इसे 56 दिनों से पहले इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका ये डाटा उड़ जाएगा। उसके दोस्तों BI के सिम में अगला प्लान आता है 999 रुपए का, जिसमें आपको मिलता है 50 GB डाटा और इस पैक की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 365 दिनों के लिए। दोस्तों आपको इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको 999 रुपए के रिचार्ज से पहले आपको वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवाना चाहिए, तभी आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे, अन्यथा आपका ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने कोई रिचार्ज करवाया 1 साल के लिए वैलिडिटी वाला, तो आप ये रिचार्ज करवा सकते हो 999 वाला उसके साथ में, और आपको ये डाटा 50 GB जो डाटा मिल जाता है तब ये डाटा आपका 365 दिनों के लिए चलेगा। दोस्तों अगर आपका वैलिडिटी वाला रिचार्ज पहले से खत्म हो जाता है तो आपका ये डाटा भी खत्म हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।